हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभ्रा। वेलकम टू सैलड एंड फूड। आज की रेसिपी है स्टफ्ड परवल। स्वीट डिश से कम नहीं लग रहा है ये स्टफ्ड परवल। आप देखकर सोच रहे होंगे कोई स्वीट डिश है, मगर ये कोई स्वीट डिश नहीं है, ये स्टफ्ड परवल सब्जी है। इसे मैंने थोड़ा डिफरेंट टाइप से बनाया है और गार्निश किया है, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बना है। और भी आसान तरीके से स्टफ्ड परवल बनाने की रेसिपीज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो चलिए बनाते हैं स्टफ्ड परवल। बहुत ही फ्रेश परवल चूज़ कीजिएगा और अब लीजिए इसे पील कर लेते हैं। परवल को पील करना है बहुत ही पतली स्किन, जो उसकी लेयर होती है, उसे ऐसे नाइफ से हल्के से निकाल लेंगे और उसके एंड्स स्निप ऑफ कर लेंगे। बहुत ही डीप पीलिंग करी तो परवल बहुत अच्छा नहीं बनता, यदि आप स्टफ्ड परवल बनाने वाले हैं तो। इसलिए हम बहुत ही थिन लेयर उसकी निकालेंगे और इसे बनाएंगे। अब सारे पील्ड परवल को हम ऐसे पानी में डिप कर लेंगे। थोड़ी देर इसे पानी में डिप रहने देंगे और क्लीन कर लेंगे और एक साफ कॉटन के कपड़े से इसे वाइप कर लेंगे ताकि इसमें पानी ना रहे, और इसे ऐसे वन साइड से इसमें कट लगाएंगे। कट बहुत ही धीरे से करना है ताकि नीचे वाला पोर्शन जुड़ा रहे। और अब एक सेपरेट बाउल में हम ऐड करेंगे गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, आमचूर यानी कि मैंगो पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। अब सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें कितना तीखा और खट्टा चाहिए उस हिसाब से आप आमचूर पाउडर और रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम परवल को मसाले से स्टफ़ कर लेंगे कुछ इस तरह से, और फिंगर से प्रेस करते हुए हम इसमें मसाला भरेंगे। हर एक परवल को कम से कम हाफ स्पून मसाले की ज़रूरत होती है, डिपेंड्स ऑन कि परवल का साइज कैसा है। कुछ इस तरह से सारे परवल को हम स्टफ़ कर लेंगे। तो लीजिए, सारे परवल स्टफ़ हो गए हैं, तो लेट्स कुक। एक पैन में ऑयल ऐड करेंगे और उसे गर्म होने देंगे, और परवल इसमें हम कुछ ऐसे प्लेस करेंगे धीरे से ताकि ऑयल स्प्लैश ना हो। अब सारे परवल को हम एक बार फ्लिप कर लेंगे ताकि ऑयल सब तरफ अच्छी तरह से कोट हो जाए, और इसे ढककर हम मीडियम टेम्परेचर पे पकाएंगे, और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे और इसे फ्लिप करते रहेंगे। देखिए, अब परवल का कलर भी चेंज हो रहा है। अब हमने इसे फ्लिप कर लिया है सारे परवल को, तो फिर से हम इसे ढककर पकाएंगे। हर 2 से 3 मिनट के बाद हमें इसे चेक करना है और फ्लिप करते रहना है। परवल बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। यदि ये गोल्डन फ्राई हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, इट मीन्स स्टफ्ड परवल इज़ रेडी। फिर से हम इसे थोड़ी देर ढक कर पकाएंगे। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं। वाव, व्हाट अ कलर। अब परवल को फिर से फ्लिप कर लेते हैं और चेक कर लेंगे कि वो सॉफ्ट है कि नहीं। हाँ, परवल तो सॉफ्ट लग रहे हैं एंड कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। तो लीजिए, स्टफ्ड परवल रेडी हो गया है, तो हम इसे थोड़ी देर कूल होने देंगे और एक बाउल में डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। अब स्टफ्ड परवल को जो हमने रेडी करके रखा है, उसे डेसिकेटेड कोकोनट से कुछ इस तरह से कोट कर लेंगे। ऐसे ही सारे स्टफ्ड परवल को जेंटली डेसिकेटेड कोकोनट से कोट कर लेना है। सारे परवल डेसिकेटेड कोकोनट से कोट होने के बाद हम इसे और भी कुछ नए तरीके से गार्निश करेंगे। गार्निश करेंगे क्रस्ट कैरेट से और चॉप्ड कोरिएंडर लीफ से।
तो लीजिए, स्टफ्ड परवल रेडी है। ये हल्का सा खट्टा, सॉफ्ट है और बहुत यम्मी है, और हमने इसे गार्निश किया है क्रस्ट कैरेट से, तो उसकी क्रंचीनेस और स्वीटनेस पीस के साथ आती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसे आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं, पूरी के साथ, नान के साथ, फुलके के साथ, पराठे के साथ, बहुत ही टेम्प्टिंग लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। स्टफ्ड परवल पॉटलक पार्टी और गेट टुगेदर में यदि आप बनाते हैं तो लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। ये बहुत ही अट्रैक्टिव और टेम्प्टिंग डिश है। ईट एंड एंजॉय। यदि आपको स्टफ्ड परवल पसंद आया है तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल सैलड एंड फूड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।